हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटीएम में मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें या फिर अपडेट करें। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको पेटीएम में मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट करना है तो कैसे करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर आपको जीमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करना है, तो जीमेल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम का कॉलम लिखना है, उसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके ओल्ड नंबर का कॉलम लिखना है। ओल्ड नंबर के कॉलम में आपको अपना पुराना वाला नंबर लिखना पड़ेगा जो पहले से है आपके पेटीएम में। मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए 12345 लिख रहा हूँ। उसके बाद अगेन एक बार आपको न्यू नंबर का कॉलम लिखना पड़ेगा। न्यू नंबर के कॉलम में वो नंबर आपको डालना है जो आप चेंज करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट कॉलम लिखेंगे रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ चेंज माय मोबाइल नंबर इन पेटीएम। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट। वो सब लिखने के बाद आपको सबसे लास्ट में पेटीएम की जीमेल आईडी डाल देना है, वो उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ईमेल में मिस्टेक होगी तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी और नंबर चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से ईमेल चेक करने के बाद सेंड कर देना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, 48 आवर्स के बाद आपका नंबर चेंज हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अपना मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं पेटीएम में। ये ऑप्शन वर्क नहीं किया किसी भी रीज़न की वजह से, तो सेकेंड ऑप्शन बता देता हूँ, वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेटीएम के कस्टमर केयर से बात करना है। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट या फिर कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा देखने, तो वहाँ पर आप कस्टमर केयर के साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं और वाया कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट करने का प्रोसेस पूछना है, जो प्रोसेस आपको कस्टमर केयर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस फॉलो करना है और वहां से भी आप अपना मोबाइल नंबर चेंज या फिर अपडेट करा सकते हैं पेटीएम में। तो यहां पे आपको दो अलग अलग ऑप्शन मैंने बता दिया है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।